हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चावल से पराठा। तो यहाँ पे मैंने चावल लिया है, आधा कप मैं यहाँ पे चावल ली हूँ जो आज ही मैंने बनाया था घर में। तो चावल मैं ली हूँ, इसमें हम इसका पराठा खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं। प्याज डालेंगे, तीन से चार लहसुन की कलियां बारीक काट ली हूँ, इसमें ऐड करूंगी मैं। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चौथाई चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच पनीर, पनीर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हम ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पे फ्रेंड। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक देंगे कुछ देर के लिए, और तब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है डेढ़ कप आटा। आटे में हम डालेंगे अजवाइन, आधा चम्मच यहाँ पे मैं अजवाइन यूज़ करूँगी। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार ले। नमक डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे हम। इसमें हम डालेंगे दही, तो यहाँ मैं एक चम्मच दही यूज़ कर रही हूँ, सॉरी दो चम्मच हम डालेंगे दही, ताज़ा दही मैं यूज़ कर रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा, एक कप मैंने पानी लिया है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। आटा बिल्कुल मेरा सॉफ्ट होना चाहिए, कड़ा नहीं सानना है हमें। ये देखिए फ्रेंड, आटा को मैं अच्छी तरह से गूंथ ली हूँ और इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने छोटी सी लोई ली हूँ, अब इसे मैं इस तरह से गोलाकार कर लूंगी। इसमें हम स्टफ डालेंगे, इस तरीके से, और इसके मुंह
को हम इस तरह से बंद कर देंगे और इसकी हम पूरी का सेप देंगे। देखिए बन गए हैं, दिखाओ। आप इसमें रिफाइंड डालिए या फिर बटर से या फिर घी से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज करूंगी। अब इसे हम पलटेंगे, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। दोनों तरफ लगाना है हमें। देख सकते हैं इस तरीके से। इसे हमें दोनों तरफ से पकाना है अच्छे तरीके से और इसे हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये मेरा पराठा बनके तैयार हो गया। चार तरफ से इसे अच्छे तरह से सेक ली हूँ।